हमारे माशरे में एक बच्ची गुर्बत की वजह से अगर उसने गुनाह का रास्ता इख्तियार किया है तो कयामत के दिन हर उस इंसान का गिरेबान पकड़ा जाएगा जिसको अल्लाह ने इस्तेआज़ा दी थी कि वो गरीबों की मदद करता है, जिसे अल्लाह ने हैसियत दी थी, इस हैसियत के बाद बनाया था कि वो गरीबों की मदद कर सके, लेकिन अपनी दौलत को बैंक में जमा करता रहा, तिजोरियों में भरता रहा, गरीब की बच्चियां सिग्नलों पर बैठ करके भीख मांगती रही और टाइफ के बाजार को आबाद करने पर मजबूर हो गई, लेकिन उसने अपनी रकम को उन पर ना खर्च करके उसने अपनी रकम को सिर्फ बैंक में जमा करके रखा। आज हमने हर जगह पैसा लुटाया है, क्या गरीब की बच्चियों पर भी अपनी कभी पैसा खर्च किया? आज हमारे माशरे में उरियानियत, बेहयाई यह सबसे ज्यादा पाई जाती है। उस बेहयाई को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। मर्द चाहे तो अपनी बीवी को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपनी बीवी को कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं। हमारी मर्दानगियत औरत पर हाथ उठाने के लिए तो बहुत है, लेकिन औरत को पर्दा करने के लिए हमारी मर्दानगियत काम नहीं करती। हर मर्द की मर्दानगी उस मकाम पर आकर के दम तोड़ देती है जब उसके घर में कोई औरत बेपर्दा होकर के घूमती। हमारी फिक्र उस वक्त भी जो है वो अकल के जो उजाले हैं वो उस वक्त भी जो है रुनुमा नहीं होते, हम नहीं सोचते। बेहयाई को इस मकाम पर पहुंचते हैं कि एक बेहयाई को एक मर्द अपने सामने औरत को देखता है। हमारे मिजाज के मुताबिक अगर औरत काम ना करे तो हम उस औरत पर चढ़ाई कर देते हैं, हाथ तक उठा देते हैं, लेकिन वही औरत जब शरीयत के मुताबिक ना हो, शरीयत के मुताबिक ना हो, तो हम उस औरत को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। जब यह हाल होगा कि हम अपने मुताबिक औरत को रखना चाहेंगे, शरीयत के मुताबिक नहीं रहेंगे, तो हमारे माशरे में बेहयाई ही जन्म लेगी। कभी भी हमारे माशरे के अंदर उरियानियत के अलावा कोई और चीज जन्म नहीं ले सकती। हमारी मर्दानगी जब अपने मुताबिक काम न होने पर आती है, तो जब हमारी औरतें बेपर्दा होकर के जाती हैं, तो उस वक्त हमारी मर्दानगी कहां जाती है? अल्लाह तबारक व तआला ने तो अर-रिजालु कवामून अलन निसा, अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को तो हाकिम बनाया है अपनी औरतों पर। हाकिम किस लिए बनाया है? इसे मारने के लिए नहीं बनाया है। हाकिम इसलिए बनाया है कि वो अपनी औरत को शरीयत के मुताबिक अपने घर के अंदर रख सके। बेहयाई के माहौल को अगर हम यूं ही उरूज देते रहे तो एक दौर आएगा कि बेहयाई इतनी बढ़ जाएगी इंसान कोशिश करके रोकना भी चाहेगा तो नहीं रोक सकता। आज हमारे पास वक्त है कि हम इस बेहयाई को रोक लें, लेकिन नहीं रोकना चाहते। मजारों पर औरतें कितनी भी जाएं हम रोकने को तैयार नहीं है। मार्केट के अंदर औरतें कितनी भी जाएं हम रोकने को तैयार नहीं है। खेलने के लिए घूमने के लिए औरतें कितनी भी जाएं हम रोकने को तैयार नहीं है। यार मर्द किस बात का है? हदीसे पाक में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद यहां तक फरमाया है कि जो इंसान, जो मर्द अपनी औरत को बेहयाई से ना रोके, ऐसा इंसान दयूस है, ऐसे इंसान की ना नमाजें कबूल होती हैं ना दुआएं कबूल होती हैं। जब हम अपनी औरत को बेहयाई से ना रोके, ना नमाजें कबूल है ना दुआएं कबूल है, फिर हम सजदे में सर रख करके मर भी जाए तब भी दुआएं कबूल नहीं हो सकती। अल्लाह ने हमें हुक्म बनाया है तो हम अपनी औरतों को पर्दे में रहें। आज हमारे माशरे के अंदर नौजवानों का हाल भी बड़ा अजीब है। हमारे माशरे में नौजवानों की सोच भी बड़ी अलग है, हमारे माशरे में जवानों की सोच भी अलग है। अलग वो ये है कि आज हर नौजवान अपनी बहन को पर्दे में देखना चाहता है और दूसरों की बहन को बेपर्दगी के साथ देखना चाहता है। यह हमारे माशरे की तल्ख हकीकत है। हर नौजवान अपनी घर की बहनों को पर्दे में देखना चाहता है, पर्दे में रखना चाहता है और दूसरे की बहनों को वो बेहयाई के साथ देखना चाहता है। जब ये सोच हमारे माशरे के अंदर पैदा हो जाए ना, तो हमारे माशरे में सिर्फ बेहयाई ही जन्म ले सकती है। और याद रखना ये बात, अपने दिल के बगीचे के अंदर उतार लेना और ये बात मेरी आपके दिल में उतर गई तो आज मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई। अपनी बहन को पर्दे में रख करके दूसरों की बहनों को बेपर्दगी के साथ जो देखने की ख्वाहिश है, याद रखना जो इंसान दूसरों के बहनों को बेपर्दगी के साथ देखना चाहता है उसकी बहन खुद कभी पर्दे के अंदर नहीं रह सकती। इसलिए कि किसी मौलाना किसी मौलवी का कौल नहीं है, ये मकीने गुंबदे खजरा का कौल है।
कोई है जो तुम्हारी भी बहन को बेहयाई के साथ देखना चाहता है। तुम जिसके साथ जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। अगर तुम दूसरों की बहनों के पर्दे का ख्याल रखोगे तो अल्लाह अपने करम से तुम्हारे बहनों की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाएगा। हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आसमी फरमाते हैं कि एक शख्स था जिसके घर में चार बेटियां थी। अल्लाह ने उसे बेटे कोई अता नहीं किए थे, चार बेटियां अता की थी। ज़ईफी की उम्र में पहुंचा तो गरीबी ने उसे झिझोड़ करके रख दिया। सुबह से लेकर के शाम तक रिक्शा चलाता था और रिक्शा चलाने से जो रकम हासिल होती थी उसी रकम से अपने घर का खर्च चलाता था। चार बेटी है, चारों जवान है, शादियां करने की उम्र करीब है, दौलत इतनी नहीं है कि बच्चियों की शादी कर दी जाए। इसलिए कि एक रिक्शा चलाने वाला इंसान इतनी रकम तो जमा नहीं कर सकता है कि वो इंसान जो है वो एक बेटी की शादी जो है वो कर सके। हजरत सैयदना हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा फरमाते हैं कि एक दिन उस शख्स के बड़ी बेटी ने ये सोचा, यार क्यों ना इस गुर्बत से छुटकारा हासिल किया जाए, जाकर के कोई काम किया जाए, उस काम से जो रकम मिले उससे अपने घर का खर्च बढ़ाया जाए ताकि बाप के ऊपर जो बोझ है वो बोझ कम हो जाए। इस इरादे से एक दिन वो अपने घर से ये कह करके अपने बाप से निकलती है कि अब्बा जान मैं थोड़ी देर के लिए अपने दोस्त के यहाँ जा रही हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं पलट करके वापस आ जाऊंगी। ये कह करके वो बड़ी लड़की अपने घर से निकलती है काम के लिए। लोगों की दहलीज पर पहुंचती है काम मांगने के लिए, कोई काम हो तो दे दो, मेरे घर का खर्च जो है वो अधूरा है, उसे पूरा करना है। लेकिन लड़की समझ करके किसी ने उसे कोई काम नहीं दिया। चलते चलते वो लड़की फाहिशा औरत के बाजार के अंदर पहुंची। वो देखती है कि नौजवान उस फाहिशा औरत के मार्केट में आते हैं, लड़की से बात करते हैं, उसे ले जाते हैं और ले जाकर के पलट करके आते हैं, कुछ रकम देते हैं और चले जाते हैं। जब उस औरत ने यह हाल देखा तो उसने सोचा, क्यों ना जब कोई काम नहीं मिल रहा है तो यही काम कर लिया जाए, अपने जिस्म को बेच करके जो है वो घर का खर्च जो है वो चलाया जाए। अफसोस की बात है हमारे लिए भी कि कोई वो गरीब भी है जो सही से अपनी बच्चियों की शादी भी नहीं कर सकता है। आज हमारे पास दौलत है तो शादियों में बेपनाह दौलतें हमारे यहां लुटाई जाती। काश कितना अच्छा होता कि हमने अपने घर की शादियों का खर्च कम करके उन गरीब बच्चियों का ख्याल किया होता जो गुर्बत की वजह से फाहिशा मार्केट के अंदर खड़ी होने के लिए मजबूर। और याद रखना, कयामत में सबको इस चीज का हिसाब देना है। कयामत में सबका गिरेबान पकड़ा जाएगा और पूछा जाएगा, तेरे माशरे में तेरी बच्चियां गुर्बत की वजह से ताइफ के बाजार में जाने के लिए मजबूर होती रही, तो अपनी शादियों में तैयारियों की तरह पैसा लुटाता रहा। मैंने कहता हूं अपनी शादियों में पैसे ना खर्चा करें। बिल्कुल अल्लाह ने आपको जो इस्तेदात दी है उस इस्तेदात के मुताबिक खर्चा करें, लेकिन उन गरीब बच्चियों का ख्याल करें जो गुर्बत की वजह से गुनाहों की तरफ अपने कदम को बढ़ाती है। अगर हमारे माशरे में एक बच्ची गुर्बत की वजह से अगर उसने गुनाह का रास्ता इख्तियार किया है तो कयामत के दिन हर उस इंसान का गिरेबान पकड़ा जाएगा जिसको अल्लाह ने इस्तेदात दी थी कि वो गरीबों की मदद कर सके, जिसे अल्लाह ने हैसियत दी थी, इस हैसियत के बाद बनाया था कि वो गरीबों की मदद कर सके, लेकिन अपनी दौलत को बैंक में जमा करता रहा, तिजोरियों में भरता रहा, गरीब की बच्चियां सिग्नलों पर बैठ करके भीख मांगती रही और ताइफ के बाजार को आबाद करने पर मजबूर हो गई, लेकिन उसने अपनी रकम को उन पर ना खर्च करके उसने अपने रकम को सिर्फ बैंक में जमा करके रखा। आज हमने हर जगह पैसा लुटाया है, क्या गरीब की बच्चियों पर भी हमने कभी पैसा खर्च किया? हमने हर जगह पैसा लुटाया है, क्या कभी गरीब के ऊपर भी हमने पैसा खर्च किया है? अल्लाह ने इस्तेदात दी है तो कम से कम अपनी माशरे की बच्चियों के इन गुनाहों से बचाओ। अब्दुल मुस्तफा आजमी फरमाते हैं कि वो लड़की ने सोचा कि जब कोई काम नहीं मिल रहा है तो चल करके अपने जिस्म को फरोश करते हैं, जिस्म को बोझ बेचते हैं और जाकर के उससे जो रकम मिले उसी से अपने घर का खर्च जो है वो चलाया जाए। जिन सफों के अंदर फाहिशा औरतें अपने जिस्म को बेचने के लिए खड़ी थी वो लड़की भी जाती है उसी लाइन के अंदर खड़ी हो जाती है। शाम से लेकर देर रात तक उस सब के अंदर खड़ी रही।
देर रात को जब काफी देर हो गई तो बाप घर के अंदर परेशान हो गया, मेरी बच्ची सुबह गई थी अभी पलट करके वापस नहीं आई। जितनी सहेलियां से सबसे पूछा लेकिन किसी ने कहा यही नहीं आई। अब उस बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिसकी जवान लड़की देर रात तक घर से बाहर, उस बाप के सीने पर क्या गुजर रही होगी जिसकी जवान बेटी इतनी देर रात को घर पलट करके वापस नहीं आई। वो बाप अपने कमरे में बैठ करके सोच रहा है आखिर बच्ची गई तो कहां गई। जब ये सोचता रहा तो अचानक दरवाजे पर कोई आकर के दस्तक देता। दरवाजा जब खोला गया तो वही लड़की अपने घर के दहलीज के अंदर हाजिर होती। जब घर के अंदर उसने कदम रखा तो बाप ने रोते हुए कहा बच्ची इतनी देर रात को कहां से आई, इससे पहले तो इतनी रात को तो कहीं नहीं गई, आखिर इतनी तारीकी में तू तो कहां से पलट करके आई। जब बाप के इस जज्बाती सवाल को सुने तो बेटी ने अपने बाप को गले से लगा लिया और गले से लगाने के बाद कहा पाचान मुझे माफ करना, मैं बहुत बड़ी गलती करके आई। बेटी ने अपने बाप को गले से लगाते हुए कहा पाचान मुझे माफ करना, मैंने गलती जानबूझ कर नहीं की बल्कि अनजाने में। बाप ने कहा बेटी आखिर माजरा क्या है, आखिर बात क्या है, किस वजह से तू रो रही है। बेटी ने सारा माजरा बयान किया अब्बा जान गुर्बत की वजह से हम बहुत परेशान थे, गुर्बत की वजह से घर का गुजारा नहीं हो रहा था तो मैं काम के लिए घर से बाहर निकली थी, लेकिन किसी भी घर पे मुझे काम ना मिला तो मैं ताइफ के जो फाहिशा औरतें अपना जिस्म का कारोबार करती थी मैं उस बाजार में पहुंची। मैंने देखा कि वहां नौजवानों की एक लंबी भीड़ लगी है जो जिस्म के भूखे हैं। मैंने कहा क्यों ना अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए जिस्म को बेच करके अपने घर की गरीबी को दूर किया जाए। कहती है मैं जाकर के उन फाहिशा औरत के कतार के अंदर खड़ी हो गई, लेकिन मेरे अब्बा जान मैं सच बताती हूँ कि जब मैं उस मार्केट में उन ताइफ के उन औरतों के फाहिशा औरत के कतार में खड़ी थी अब्बा जान, उस मार्केट के अंदर मुझसे हसीनो जमील कोई और लड़की नहीं थी। जिस कतार के अंदर मैं खड़ी थी उस कतार के अंदर मुझसे हसीन कोई और लड़की मुझे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब्बा जान मैं शाम से लेकर देर रात तक उस कतार में खड़ी रही। लेकिन जो भी नौजवान मेरे सामने आता था आने के बाद मेरे आगे अपने सर को झुकाता था और चला जाता था, किसी ने मेरे जिस्म का सवाल नहीं किया। जो भी नौजवान आता आकर के मेरा चेहरा देखता अपनी नजरों को झुकाता और झुका करके आगे चले जाता। अब्बा जान उस कतार में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई और लड़की नहीं थी, इसके बावजूद हाल यह था जो लड़की आती थी जो नौजवान आता था मेरे सामने अपने निकाह झुकाता था आगे निकल जाता था। मैं हैरान थी कि इस कतार में मुझसे खूबसूरत लड़की तो कोई नहीं है, आखिर नौजवानों को हुआ क्या है जो मुझसे कम खूबसूरत है उन लड़कियों के पास जा रहे हैं। और देर रात तक मैं खड़ी रही लेकिन कोई नौजवान मेरे पास नहीं आया कि जो मेरे जिस्म का जो है सौदा कर सके। जब देर रात तक कोई नौजवान नहीं आया तो मैं उस मार्केट से पलट करके वापस आ गया। जब उस लड़की ने वाकिया बताया तो बाप की सारा कतार रोने लगा, रो करके अपनी बच्ची को सीने से लगाता है और कहता है मेरी बच्ची तो एक रात क्या, अगर पूरी जिंदगी उस दहलीज पर खड़ी रहती ना तब भी तेरे जिस्म का सौदागर कोई भी नहीं आता, तेरे जिस्म को खरीदने के लिए कोई नहीं आता, तेरे जिस्म पर गंदी नजर कोई नहीं डालता अगर पूरी जिंदगी तू उस बाजार में खड़ी रहती। अगरचे वो जिस्म फरोशी का बाजार था, जिस्म खरीदने वाला बाजार था, लेकिन ऐ मेरी बच्ची अगर पूरी जिंदगी तू उस मार्केट के अंदर खड़ी रहती तब भी तुझे कोई खरीदार नहीं मिलता, कोई तुझे खरीदता नहीं। बच्ची ने कहा तो जान आखिर मुझे कोई खरीदता क्यों नहीं, तो बाप ने जवाब दिया है बच्ची इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी कभी किसी बच्ची के ऊपर गंदी नजर नहीं डाली है, तो मुझे अपने रब की जात से उम्मीद है जब मैंने किसी की बच्ची पर गलत नजर नहीं डाली है तो मेरी बच्ची पर कोई गलत नजर नहीं डाल सकता है। आरे